नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल उमेश शर्मा पे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप ये सपना संजोए बैठे थे कई सालों से, या फिर अगर पिछली बार ये सपना अगर आप नहीं पूरा कर पाए थे, मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस जैसी एक ऐसी जगह जहाँ पे आप एक सपने में सोचते आए हो कि मैं वहाँ पे एक सब इंस्पेक्टर बनूंगा, या आर्मी पुलिस फोर्स जैसे CRPF या CSF में आपने सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर बनने का सपना देखा हो, जहाँ पे एक ऊंची पोस्ट पे आप जाने का सपना रखते हो। बिल्कुल दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ आज उसी पोस्ट को लेकर के, जो पोस्ट कितनी आने वाली है, ये वैकेंसी कब तक पूरी होगी, इसका पेपर कितने चरणों में पूरा होगा, कब कब किस किस डेट को कौन सा पेपर होगा, एक एग्जैक्ट डेट बता करके चलूँगा कि वैकेंसी जब स्टार्ट होगी उसके पूरे के पूरे एक साल में पूरी वैकेंसी की जो डिटेल्स है वो पूरी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इसमें फीस क्या होगी, सिलेबस क्या होगा, सारी की सारी अपडेट आपके लिए लेकर के आया हूँ। हर वीडियो में आप अलग अलग जगह जाकर के देखते हैं, आपको फुल डिटेल नहीं मिलती है। तो आपकी एक एक डिमांड थी कि सर हमें दिल्ली पुलिस लेकर सब इंस्पेक्टर को लेकर के हमें कुछ अपडेट चाहिए, जो कि ये वैकेंसी जल्द ही जारी होने वाली है। सारी की सारी अपडेट लेकर के हम वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो मैं बात करने वाला हूँ दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर के पोस्ट को लेकर के, जो है कि आपका सपना है, इसी के साथ साथ एक और चीज़ चलती है हमारी CFEF, ठीक है। ये होता क्या है, ये होता है सेंट्रल, ध्यान दीजिएगा, आर्म्ड, ठीक है, पुलिस फोर्स। यहाँ पे ये क्या होता है, ये होता है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स। इसके अंदर क्या क्या आता है दोस्तों, ये आता है CRPF, ठीक है, CISF, ऐसी जो हमारी जो एक अलग आर्म फोर्स है, इन कैटेगरी के अंदर भी इसमें जो पोस्ट आती है वो आती है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की। तो यहाँ पे इन दोनों के बारे में मैं खुल करके बात करने वाला हूँ। तो प्यारे दोस्तों, ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि सर ये कितनी पोस्ट आने वाली है, तो मैं आपको बता दूं शॉर्ट नोटिस के अकॉर्डिंग ये 2475 पोस्टों के लिए ये आवेदन आपसे मांगे जाएंगे। ये आवेदन मांगे जाएंगे तो इसके लिए सर एज फैक्टर क्या होगा, इसकी सैलरी क्या होगी, इसकी फीस क्या होगी, सारी की सारी बातें करने वाला हूँ। इसकी जो ये जो सैलरी वगैरह के बारे में जानने से पहले हमें पूरा का पूरा प्रोसेस, हम जॉब कैसे लगेंगे, पहले हमें ये जान लेना बहुत ज़रूरी होगा। मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिएगा इसकी जो फीस होगी इसको अप्लाई करने के लिए, ये सारी बात करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये वैकेंसी कब आएगी। देखिए, आज मैं ये वीडियो आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ 12 मार्च 2020 को, ठीक है। ये जो वैकेंसी स्टार्ट होगी, ये वैकेंसी स्टार्ट कब से होगी मैं आपको बता दूँ, एप्लीकेशन जो स्टार्टिंग डेट है, ठीक है, एप्लीकेशन स्टार्टिंग जो डेट है वो है आपकी, इसका काम क्या होगा, सारी की सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड करवाऊँगा। स्टार्टिंग डेट है वो 17 अप्रैल, ध्यान दीजिएगा 17 अप्रैल 2020 होगी। और इसके साथ साथ इसकी जो लास्ट डेट होगी, क्लोजिंग डेट होगी, ठीक है, लास्ट डेट मैं कह सकता हूँ, लास्ट डेट होगी इसकी 16 मई, ध्यान दीजिएगा 16 मई 2020, मतलब महीना भर में इसके मान सकता हूँ इसकी जो प्रोसेस है वो महीने भर तक चलेगी। इसके साथ साथ आपसे ये पूछा जाएगा सर इसकी फ़ीस क्या है, 100 रुपीज़ इसकी जनरल और OBC के लिए इसकी फ़ीस होती है, जनरल और OBC के लिए इसकी 100 रुपीज़ फ़ीस होती है। बाकी ये ST SC और फीमेल कैंडिडेट के लिए ये फ्री होती है, इसकी कोई भी फीस नहीं होती है। मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा, इन कैंडिडेट के लिए इसकी कोई भी फीस नहीं होती है। इसके बाद में पोस्ट की बात थी, मैं आपको पोस्ट बता चुका हूँ, इसकी डेट्स बता चुका हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ होती है कि सर वैकेंसी तो बहुत आती है लेकिन ये वैकेंसी कंप्लीट ही नहीं हो पाती, जिसे आप रेलवे का वेट कर करके थक चुके हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो कि हर चीज़ का शेड्यूल पहले से जारी रखता है, जैसे बैंक होता है वैसे SSC भी ऐसा ही करता है। तो इस एग्जाम को लेने वाला कौन सा है, जो वेंडर है वो क्या है आपका, यहाँ पे इसको कौन कंडक्ट करवाएगा इस एग्जाम को, यहाँ पे आपका SSC कंडक्ट करवाती है। ये जो यहाँ पे अलग अलग तरीके से इनको डिपार्टमेंट्स को यहाँ पे जो ये एग्जाम लेने के बाद में इनको पोस्ट अलग अलग तरीके से भरवाई जाती है, इस एग्जाम को कंडक्ट कौन करवाता है, SSC। अब SSC भी फिर अपने एक वेंडर निर्धारित करती है, ये अपने स्तर पर कैसे एग्जाम लेती है वो SSC का मैटर होता है। यहाँ पे ये जो प्रोसेस चलेगा ये किस किस तरीके से चलेगा, ये एग्जाम कितने चरणों में होती है, कैसे होती है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, उस बात पे ध्यान दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, सब इंस्पेक्टर जो होता है एक अपर लेवल की पोस्ट होती है, ठीक है, एक सीनियर लेवल की पोस्ट होती है। इसके अंदर आपका होता क्या है, इसलिए ये जो एग्ज़ाम होगी वो 2 चरणों में होगी, मैं आपको बता दूँ 2 चरण कौन से होंगे। इसके साथ साथ फिजिकल को ले लूँ तो ये 3 चरण मैं कह सकता हूँ, ठीक है, 3 स्टेज होगी, लेकिन रिटर्न एग्जाम जो होगी वो 2 चरणों में होगी। यहाँ पे जो फर्स्ट एग्जाम, जो फर्स्ट पेपर होगा उसके बारे में बात बताने वाला हूँ आपको। यहाँ पे आपका पहला जो एग्जाम होगा ये फॉर्म अप्लाई करने के बाद फर्स्ट पेपर होगा,
ठीक है, फर्स्ट पेपर का आपके अप्लाई करने के बाद में मैं आपको ये चीज़ें बता दूं किसके लिए एडमिट कार्ड कब आएंगे। ये आपके अप्लाई करने के बाद में डेट होने के बाद में आपके अगस्त 2020 में इसके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, सारी चीज़ें अभी बता के चल रहा हूँ। अगस्त 2020 में इसके एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएंगे। इसके बाद में इसकी एग्ज़ाम डेट के लिए अगर आप पूछ रहे हैं तो एग्ज़ाम डेट मैं आपको बता दूँ इसकी, जो एग्ज़ाम डेट क्या होगी इस पोस्ट के लिए, एग्जाम डेट होगी 28 सितंबर से, ठीक है, 28 सितंबर से लेकर 1 अक्टूबर तक इसकी एग्जाम चलेगी। फर्स्ट फेज की जो फर्स्ट पेपर होगा वो 28 सितंबर से लेकर के 1 अक्टूबर तक का इसका पेपर चलेगा। आप अभी से प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसके बाद में इसका जो रिजल्ट आएगा ना वो कब आएगा, इसकी रिजल्ट डेट बता रहा हूँ, ये सारी की सारी नवंबर 2020 में इसका रिजल्ट आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, नवंबर 2020 में इसका क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा। ये रिजल्ट आने के बाद में मैं आपको बता दूँ इसके अंदर डायरेक्टली मेंस एग्जाम नहीं होता है। इसके बाद होता क्या है, ध्यान दीजिएगा, ये फर्स्ट पेपर होता है, इस फर्स्ट पेपर में सब्जेक्ट क्या क्या आता है पहले ये समझ लीजिए। इसके अंदर आएगा रीजनिंग, ठीक है, रीजनिंग होता है 50 मार्क्स का। इसके बाद में इंग्लिश का पेपर होता है वो 50 मार्क्स का होता है। इसके बाद में आपका जीएस, ठीक है, प्लस जीए, ये होता है आपका 50 मार्क्स का। इसके बाद में एक होता है आपका मैथ्स का पेपर, ये होता है 50 मार्क्स का। ऐसे करके 200 नंबर का ये प्री का पेपर होता है इसका। ध्यान दीजिएगा, 200 नंबर का इसका प्री का पेपर होता है। इसके बाद में ये पेपर का रिजल्ट आएगा कब, नवंबर 2020 के अंदर। नवंबर 2020 में इसका पेपर होने के बाद में, इसका रिजल्ट आने के बाद में होगा क्या, इसके लिए PhD PET, ठीक है, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है, ठीक है, फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट होता है वो कब ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। इसके लिए ये मान लीजिए ये दिसंबर 2020 के अंदर ध्यान जो होगा वो फिजिकल होगा। फिजिकल होने के बाद में इस फिजिकल का रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये रिजल्ट आने के बाद में अब आपका, आपको पता है कि जो फिजिकल पास करेंगे उन्हीं का मेंस पेपर लगेगा। ये जो मेंस पेपर होता है वो भी मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लेके चलता हूँ, ध्यान दीजिएगा। जो मेंस होता है ये मेंस होगा जिन कैंडिडेट ने फिजिकल क्वालिफाई किया है फर्स्ट पेपर क्वालिफाई करने के बाद में, वो पेपर होगा। और वो जो पेपर होगा वो कब होगा उस चीज़ के लिए मैं आपको बता दूं, इसके लिए एडमिट कार्ड रिलीज होंगे, ठीक है। जो मेंस के लिए एडमिट कार्ड आएंगे वो कब आएंगे, फेब 2021 में, ठीक है, 21 में ये आएंगे। और इसका जो एग्ज़ाम होगा वो एग्ज़ाम जो होगा वो होगा 1 मार्च को, ये 1 मार्च को इसका एग्ज़ाम होगा। और आपका अप्रैल 2021 के अंदर इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। और इसका जॉइनिंग वगैरह की सारी प्रोसेस हो जाएगी, जो कि आप इस चीज़ को स्टेप बाई स्टेप समझ लीजिए दोस्तों। इसके साथ साथ एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या होती है, मैंने बताया था पहले भी कि आपको स्नातक होना ज़रूरी होता है, स्नातक या फिर इस वर्ष, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन आपने बीए बीकॉम बीएससी कुछ भी कर रखा हो, या इस साल अगर आप लास्ट ईयर में हैं, अभी जैसे अप्रैल तक आएगा, अप्रैल तक आपका ये लास्ट ईयर का आपने एग्ज़ाम दे दिया है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो योग्यता भी मैं आपको बता चुका हूँ दोस्तों। ये एक वैकेंसी ऐसी है जिसमें आप अपने सपनों को एक अलग आयाम दे सकते हो, क्योंकि आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना होता है। आपको किसी एग्ज़ाम डेट को लेकर के आपको कुछ भी क्लियर नहीं होता है कि हम फॉर्म अप्लाई करेंगे तो ये एग्ज़ाम आखिर कब तक होगी, हम इस एग्ज़ाम को लेकर के कब तक बैठे रहेंगे। ये जो प्रोसेस स्टार्ट होगा वो 17 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और 17 अप्रैल को जाकर के, मतलब ये हो सकता है कि उसी डेट को या फिर अप्रैल 2021 में जाकर के ये प्रोसेस पूरा का पूरा कम्प्लीट हो जाएगा। तो आप एक ऐसा जॉब जो एक अपने सपनों को आप एक अलग रूप देना चाहते हो ना, वो इस फील्ड में जाकर के दे सकते हैं। वो डिपेंड करता है आपके ऊपर। आप, मैंने पिछली बार इस पे वीडियो बनाया था जब मैंने बोला था कि वैकेंसी आएगी तब मैं आपको और अपडेट कर दूंगा। तो दोस्तों 17 अप्रैल ज़्यादा दूर टाइम नहीं बचा, ये वैकेंसी कब तक अपडेट आ जाएगी मैं आपको बता दूँ। ये जो वैकेंसी है वो लास्ट जैसे अभी इस मंथ के मार्च के एंड तक आपको इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। 17 अप्रैल से आपको अप्लाई करना है। लेकिन मैं आपको एक सजेशन दूंगा, अगर आप ग्रेजुएशन लास्ट ईयर भी आपका चल रहा है या फिर जिनका कंप्लीट हो चुका है वो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो उम्मीद करता हूँ आपको सारी की सारी डिटेल समझ में आई होगी। सिलेबस मैं आपको बता चुका हूँ, इसके लेकर के आपको और कोई अपडेट चाहिए आप कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर बताइएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। और एक और चीज़, आपको कोई भी प्रॉब्लम कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए इजाज़त दीजिए, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।